हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल पर। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। रोजाना की तरह आज फिर हम एक नई स्टोरी लाए हैं इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए, जिसका टाइटल है डोरोथी पोर्ट्रेट। ठीक है, ये डोरोथी जो है ये किसी का नाम है। आज की इस स्टोरी में काफ़ी सारे अच्छे वर्ड आए हैं जो आपकी डेली लाइफ में यूज होते हैं, और मैं इस स्टोरी में आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन एकदम आसान तरीके से बताने वाला हूँ। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, आपको रोजाना सुबह 5 बजे हमारे यूट्यूब चैनल से एक वीडियो मिल जाएगी। तो मैं शुरू करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ मैं आपको हर एक वर्ड का प्रोनंसिएशन, उसका हिंदी मीनिंग सब कुछ साथ में बताने वाला हूँ। और एक बार हम इसको सेंटेंस को रीड करेंगे, उसके बाद हम दोनों मिलके सेंस लगाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ उसका हिंदी अर्थ लिखूँगा, जिससे कि आपको भी समझ में आए किस तरह से हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, आप लाइक नहीं करते। एन ओल्ड वुमैन मिसिज डोरथी यूज्ड टू लिव इन ए विलेज। ठीक है, फुल स्टॉप तक सेंटेंस हो गया। डिफ़िकल्ट वर्ड ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं। मिसिज डोरथी ये क्या है, किसी का नाम है। ठीक है, जिनकी शादी हो जाती है उनके लिए मिसिज लगाते हैं, MRS। ओके, अब इस सेंटेंस को देखते हैं हिंदी में। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ी महिला, मिसिज डोरथी, श्रीमती डोरथी यूज टू लिव, रहा करती थी। यूज टू किसी पास्ट घटना को दर्शाने के लिए यूज होता है जो कि रोजाना होती थी, वो वहाँ रहती थी या वो वहाँ जाती थी, इस तरह के सेंस में ये यूज होता है। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ी महिला, मिसिज डोरथी, मिसिज श्रीमती, श्रीमती डोरथी यूज टू लिव, यूज टू लिव मतलब रहा करती थी, रहा करती थी। ठीक है, पास्ट की कोई कंटिन्यूस घटना थी उसको दर्शाने के लिए यूज टू यूज हुआ है। यूज टू लिव इन ए विलेज, रहा करती थी इन ए विलेज, एक गांव में, गांव में। ओके, आशा करता हूँ यहाँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। एन ओल्ड वुमैन, एक बूढ़ी महिला, मिसिज डोर थी, श्रीमती डोर थी यूज टू लिव इन ए विलेज, एक गाँव में रहा करती थी। सी लव्ड हर पैट डॉग मोर देन एनी थिंग इन द वर्ल्ड। सी लव्ड, ठीक है, ये क्या है, लव की सेकेंड फॉर्म बी टू यूज हुआ है, प्यार करती थी या चाहती थी। सी लव्ड हर पैट, पैट होता है पालतू, ओके, डॉग कुत्ता। सी लव्ड हर पैट डॉग, वह प्यार करती थी, हर पेट डॉग अपने पालतू कुत्ते को, मोर देन एनी थिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो कुछ भी है उस सबसे अधिक वो अपने कुत्ते को प्यार करती थी, मोर देन कहीं अधिक या बहुत ज़्यादा। ठीक है, एनी थिंग किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ से, यहाँ तुलना कर दी है। सी लव्ड हर पैट, वह प्रेम करती थी अपने पालतू कुत्ते को, मोर देन एनी थिंग किसी भी चीज़ से ज़्यादा, इन द वर्ल्ड दुनिया में। ओके, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट। अब आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, सी डिसाइडेड, अब डिसाइडेड रोजाना की स्टोरी में आ रहा है भाई, याद कर लो, सीख लो। वन डे, एक दिन, सी डिसाइडेड, उसने फैसला किया, दैट की सी वांटेड ए पोर्ट्रेट ऑफ हरसेल्फ। ठीक है, वन डे, एक दिन, सी डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, दैट की सी वांटेड ए पोर्ट्रेट ऑफ हरसेल्फ, वह अपनी एक चित्र बनवाना चाहती हैं। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं हिंदी में। वन डे, एक दिन, सी डिसाइडेड दैट, सी उसने, ठीक है, महिला है, डिसाइडेड फैसला किया, फैसला किया दैट की कंजक्शन है। ठीक है, कंजक्शन मतलब दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है। सी डिसाइडेड दैट,
उसने फैसला किया कि सी वांटेड ए पोर्ट्रेट ऑफ हरसेल्फ, सी वांटेड वह चाहती है, वह चाहती थी, ठीक है, वांटेड आया है, ईडी पास्ट की है, ए पोर्ट्रेट ऑफ हरसेल्फ, अपना चित्र बनाना, वह अपना चित्र बनाना चाहती थी। सो सी वेंट टू द बेस्ट पेंटर इन द टाउन एंड रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रा ए पोर्ट्रेट ऑफ हर्स। ओके, पूरा सेंटेंस हमने पढ़ लिया, अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं एक बार। सो इसलिए सी वेंट टू द बेस्ट पेंटर इन द टाउन, अब इसको हिंदी में देखते हैं, सो होता है इसलिए, सी वेंट टू द बेस्ट पेंटर, वह वेंट माने गई, टू द बेस्ट पेंटर सबसे अच्छे पेंटर होता है हमारा चित्रकार, सबसे अच्छे चित्रकार के पास, ठीक है, टू क्या है, टू यहाँ के पास के अर्थ में यूज हुआ है, टू के पास इन द टाउन शहर में, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रा ए पोर्ट्रेट ऑफ हर्स, एंड और रिक्वेस्टेड आग्रह किया हिम उससे टू ड्रा बनाने का ए पोर्ट्रेट ऑफ हर्स उसका चित्र, उसका या अपना चित्र। ओके, पोर्ट्रेट क्या होता है हमारा, पोर्ट्रेट होता है चित्र। अब इस पूरे सेंटेंस को एक बार हिंदी में देख लेते हैं। सो इसलिए सी वेंट टू द बेस्ट पेंटर इन द टाउन, सो इसलिए सी वेंट बह गई टू द बेस्ट पेंटर सबसे अच्छे चित्रकार के पास इन द टाउन शहर में, एंड रिक्वेस्टेड हिम और उससे आग्रह किया टू ड्रा ए पोर्ट्रेट ऑफ हर्स उससे अपना चित्र बनाने का आग्रह किया। द पेंटर वर्कड हार्ड फॉर द होल डे एंड देन शोड द पेंटिंग टू मिसिज डोरथी। फुल स्टॉप तक हो गया, अब इस पूरे सेंटेंस को देखते हैं। द पेंटर वर्कड हार्ड, ठीक है, उस डेफिनेट आर्टिकल है, उस चित्रकार ने वर्कड हार्ड कड़ी मेहनत की फॉर द होल डे पूरा दिन, एंड देन और फिर शोड द पेंटिंग, शोड दिखाई द पेंटिंग तस्वीर टू मिसिज डोरथी, किसको दिखाई, श्रीमती डोरथी को दिखाई, ठीक है, जो वो पेंटिंग बनाई, उन्होंने कहा मेरी पेंटिंग बना दो, उसने पूरे दिन मेहनत करी और वो पेंटिंग किसे दिखाई, मिसेस डोरथी को दिखाई। द पेंटर वर्कड हार्ड, चित्रकार ने कड़ी मेहनत की, फॉर द होल डे, फॉर पूरा दिन, ठीक है, पूरे दिन को रिफ्रेंस के लिए आया है, फॉर द होल डे पूरा दिन, एंड देन और फिर शोड द पेंटिंग टू मिसिज डोरथी, और फिर श्रीमती डोरथी को वो तस्वीर दिखाई। डोरथीज डॉग लुक्ड एट द पोर्ट्रेट एंड रेन अवे, डोरथी के कुत्ते ने लुक्ड एट द पोर्ट्रेट तस्वीर या चित्र, ठीक है, चित्र को देखा, ओके, पोर्ट्रेट होता है चित्र, चित्र को देखा, एंड रेन अवे, और क्या हुआ, भाग गया। डोरथीज डॉग, अब ये अपोस्ट्रोपी है, काकी के का संबंध दर्शा रहा है, डोरथी के कुत्ते ने लुक्ड एट द पोर्ट्रेट, चित्र की तरफ देखा, एंड रेन अवे, और दूर भाग गया। सीइंग दिस, सीइंग
प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है, कर, करके, करते हुए, इस तरह से इसका सेंस निकलेगा। सीइंग दिस यह है देखकर, ओके, सीइंग दिस यह है देखकर डोरथी शाउटेड ऑन द पेंटर। जो डोरथी थी, डोरथी शाउटेड, चिल्लाई चिल्लाई ऑन द पेंटर, चित्रकार पर, ओके। सीइंग दिस यह देखकर डोरथी शाउटेड ऑन द पेंटर, डोरथी चित्रकार के ऊपर चिल्लाई, सच ए हॉरिबल पेंटिंग, सच इतना, इतनी भयंकर तस्वीर, ओके, सच ए हॉरिबल पेंटिंग, क्या चिल्लाई, सच ए हॉरिबल पेंटिंग, इतनी भयंकर तस्वीर, इवन माई डॉग हेट्स इट, इवन, इवन होता है यहाँ इस सेंस में आएगा, यहाँ तक कि, मतलब उसकी तस्वीर जो महिला ने अपने बर्डों में कहा, सच ए हॉरिबल पेंटिंग, इतनी, इतनी भयंकर तस्वीर, इवन यहाँ तक कि, यहाँ तक कि माई डॉग हेट्स इट, मेरा कुत्ता भी नफरत करता है, ठीक है। क्या कहा उन्होंने, इवन माई डॉग हेट्स इट, यहाँ तक कि मेरा कुत्ता भी नफरत करता है, इतनी भयंकर तुमने तस्वीर बनाई है। आई वॉन्ट पे यू ए पैनी फॉर दिस, ठीक है। पैनी होता है रुपया या पैसा, हम कहते हैं ना मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा, तो ये वही है। इस सेंटेंस को आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे यूज कर सकते हैं, एट इट इज, जब किसी को कहना हो कि मैं तुम्हें इसका एक भी पैसा नहीं दूंगा, तो आप क्या कहेंगे, आई वॉन्ट पे यू ए पैनी फॉर दिस, ठीक है। तो अब इसको हिंदी में कैसे देखेंगे, ये बिल विल प्लस नोट है, ओके, वॉन्ट, आई वॉन्ट पे, मैं नहीं अदा करूंगा, ठीक है, मैं नहीं अदा करूंगा यू, आपको, ए पैनी फॉर दिस, एक रुपया भी इसके लिए, ओके, क्या हुआ, आई वॉन्ट पे यू ए पैनी फॉर दिस, मैं इसके लिए आपको एक रुपया भी पे नहीं करूँगा। द पेंटर कामली आस्क्ड हर फॉर एनदर चांस, ठीक है, द पेंटर कामली आस्क्ड हर फॉर एनदर चांस, द पेंटर, उस चित्रकार ने, उस पेंटर होता है चित्रकार, उस चित्रकार ने कामली शांति से, ठीक है, यह शांतिपूर्वक आस्क्ड मांगा, ठीक है, या पूछा हर उससे, जो वो महिला थी मिसिज डोरथी, फॉर एनोदर चांस, एक और अवसर, ठीक है। द पेंटर कामली, उस चित्रकार ने, काम होता है शांत और कामली शांति से, द पेंटर कामली, उस चित्रकार ने शांति से आस्क्ड मांगा हर उससे, फॉर एनोदर चांस, एक और अवसर, आफ्टर थ्री डेज, आफ्टर बाद में, थ्री तीन डेज दिन, आफ्टर थ्री डेज तीन दिनों बाद, तीन दिनों बाद, ही इन्वाइटेड डोरथी टू हिज शॉप, बट दिस टाइम द डॉग रेन टू वार्ड्स द पोर्ट्रेट एंड बिगेन लिकिंग इट, ठीक है। आफ्टर थ्री डेज, तीन दिनों बाद, ही इन्वाइटेड, ही कौन, उस दुकानदार ने, ही, उसने इन्वाइटेड डोरथी, डोरथी को आमंत्रित किया या बुलाया, ठीक है, बुलाया टू हिज शॉप, अपनी दुकान पर, बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, द डॉग रेन टू वार्ड्स, इस बार कुत्ता, ठीक है, जो डोरथी का था कुत्ता, रेन, रन की सेकेंड फॉर्म है, ये बी टू है, और बी वन क्या होती है,
RUN, ठीक है, ये B1 है दौड़ना और ये दौड़ा। द डॉग रेन, कुत्ता दौड़ा टूवार्ड्स द पोर्ट्रेट, चित्र की ओर, ठीक है, टूवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, और पोर्ट्रेट चित्र। द डॉग रेन टूवार्ड्स द पोर्ट्रेट, कुत्ता चित्र की ओर दौड़ा एंड बिगेन लिकिंग इट, और बिगेन शुरू हो गया लिकिंग इट चाटना, ठीक है, क्या करने लगा वो कुत्ता, उस तस्वीर को चाटने लगा। ही इन्वाइटेड डोर्थी टू हिज शॉप, उसने डोर्थी को अपनी दुकान पर बुलाया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, दिस टाइम इस बार द डॉग रेन टूवर्ड्स द पोर्ट्रेट, जो कुत्ता था वो चित्र की ओर दौड़ा एंड बिगेन लिकिंग इट, और उसने क्या है जो चित्र था उसको चाटना शुरू कर दिया। द पेंटर हैड क्लेवरली रब्ड सम मीट ऑन द पेंटिंग, ठीक है, द पेंटर हैड क्लेवरली रब्ड, चित्रकार ने क्लेवरली चतुराई से रब्ड, रगड़ा सम मीट, कुछ मांस ऑन द पेंटिंग, तस्वीर पर। ओके, अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। द पेंटर हैड क्लेवरली रब्ड सम मीट ऑन द पेंटिंग, द पेंटर हैड क्लेवरली रब्ड, जो चित्रकार था उसने हैड क्लेवरली रब्ड, चतुराई से रगड़ा सम मीट, कुछ मांस ऑन द पेंटिंग, तस्वीर पर। डोर्थी वाज नाउ इम्प्रेस्ड विद द पेंटर एंड पेड हिम ट्वाइस द मनी प्रोमिस्ड। ओके, डोर्थी वाज नाउ इम्प्रेस्ड, डोर्थी अब प्रभावित थी विद द पेंटर, चित्रकार से प्रभावित थी, इम्प्रेस्ड होता है प्रभावित, ठीक है। डोर्थी वाज नाउ इम्प्रेस्ड, डोर्थी अब प्रभावित थी विद द पेंटर, चित्रकार से, एंड और पेड द ट्वाइस द मनी प्रोमिस्ड, ट्वाइस का मतलब दोगुनी, ठीक है, दोगुनी, पेड अदा की या दी दी, ठीक है, ये चुकाई, मनी पैसा, ओके, प्रोमिस्ड जितना वादा किया, वादा किया, ठीक है। यहाँ क्या है, एंड पेड हिम ट्वाइस द मनी, और उसको दुगनी पैसा दिया, प्रोमिस्ड जितना वादा किया था। अब इस पूरे सेंटेंस को एक बार देख लेते हैं। डोर्थी वाज नाउ इम्प्रेस्ड, डोर्थी वाज नाउ इम्प्रेस्ड, अब प्रभावित थी विद द पेंटर, चित्रकार से, एंड पेड हिम ट्वाइस द मनी प्रोमिस्ड, और दुगना पैसा दिया जितना उन्होंने वादा किया था देने का, उससे कहीं दुगना पैसा उस व्यक्ति को दिया, ठीक है। अब इस स्टोरी का मोरल देख लेते हैं। मोरल होती है शिक्षा, बीइंग क्लेवर इज ए वर्च्यू, वर्च्यू होता है गुण, ठीक है। बीइंग क्लेवर, बीइंग माने होना, क्लेवर चतुर इज ए वर्च्यू, एक गुण है, ठीक है। इस स्टोरी का हमारा मोरल क्या हुआ, मोरल शिक्षा, बीइंग क्लेवर इज ए वर्च्यू, चतुर होना एक गुण है। अब ये क्यों है, वैसे तो चतुराई अच्छी चीज़ नहीं है, पर चतुर होना प्लस पॉइंट में गुण का काम करता है। कैसे, जो वो डोर्थी थी उन्होंने उस तस्वीर को खराब क्यों बताया, क्योंकि उनके कुत्ते को वो अच्छी नहीं लगी। अब किसी कलर की स्मेल कुत्ते को थोड़ा ही अच्छी लगेगी, ठीक है। बाद में जो वो पेंटर थे उन्होंने उस पेंटिंग पे क्या है थोड़ा मांस लगा दिया, ठीक है, अच्छे से रगड़ दिया, उन्हें पता भी नहीं चला, और कुत्ता उसकी महक सुन के सीधा दौड़ के चला गया, ठीक है, तो उन्हें वो पेंटिंग पसंद आ गई। ये नहीं पता कि वो उनको नहीं चाट रहा था, वो मांस को चाट रहा था, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, आशा करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा आपको। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। हैव ए नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब।